कोरोना वायरस को देखते हुए शहर के मॉल बंद रखने के आदेश राज्य सरकार ने दिए हैं, किंतु आदेश के कागजात की पूर्तता नहीं होने के कारण शहर के बर्डी स्थित इंटरनिटी मॉल शुरू है। शहर के भीड़भाड़ वाली जगहों से दूर रहने का आह्वान राज्य सरकार ने किया है, साथ ही शहर के तमाम मॉल को भी बंद रखने का आह्वान राज्य सरकार की ओर से किया गया, किंतु जिलाधीश की ओर से आदेश की कॉपी नहीं मिलने से मॉल अभी भी शुरू है, लेकिन इंटरनिटी मॉल का पीवीआर पूरी तरह से बंद दिखा। इस बारे में इंटरनिटी मॉल के मैनेजर आशीष बारे इन्होंने जानकारी दी। इटर्निटी मॉल के मैनेजर बारे जी हमारे साथ में, उनसे जानना चाहेंगे। बारे साहब, ये बताए कि जिस तरह से राज्य सरकार ने जो गाइडलाइन दी है, जहाँ थिएटर हो या मॉल हो, स्विमिंग का कक्ष हो, स्विमिंग हो, ये तमाम इस पर पाबंदी लगा दी गई है कोरोना वायरस को लेके, लेकिन आज आपका इटर्निटी मॉल जो शुरू है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सर, ऐसा है, जो राज्य सरकार के तरफ से गाइडलाइंस आई है उसके हिसाब से थिएटर्स, मल्टीप्लेक्स और स्विमिंग पूल और जिम, इनको बंद रखने के लिए कहा गया है। और हमारे मॉल में जो थिएटर है, मल्टीप्लेक्स है पीवीआर का, वो बंद है। कल रात से उसको हमने बंद रखा है, और जब तक राज्य सरकार से कोई नया आदेश नहीं आता है, तब तक हम उसे बंद ही रखेंगे। और जहाँ तक बात है मॉल की, तो मॉल के लिए और रेस्टोरेंट के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि वहाँ पर उनको बंद नहीं करें, लेकिन वहाँ पर लोगों को कहा गया है, का आह्वान किया है कि वहाँ पे थोड़ा सा कम चाहे, ऐसा उन्होंने आह्वान किया हुआ है, लेकिन बंद नहीं किया है। सर, आपके मॉल में प्रतिदिन हज़ारों की तादाद में लोग खरीदी करने के लिए आते हैं, ऐसे में उनकी प्रिकॉशन के लिए क्या करना चाहोगे आप? सर, उसके लिए हमने ऑलरेडी प्रिकॉशंस ली है, और मैंने सोशल मीडिया पे और सारी जगह पे भी वो पब्लिश किया हुआ है। आप अगर मॉल में एंट्री करोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि कोरोना के लिए हम लोगों ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं टू प्रोटेक्ट कोरोना वायरस। तो उसके लिए हम लोगों ने पूरे मॉल को और मॉल के जितने वॉशरूम्स हैं सबको सैनिटाइज किया हुआ है, और सैनिटाइजेशन प्रोसेस हम वीकली 2 times हम लोग कर रहे हैं, जिससे जो सैनिटाइजेशन लिक्विड है वो सारा लिक्विड हम स्प्रेड करते हैं उसके ऊपर में, पूरे मॉल में, इंक्लूडिंग टॉयलेट्स, वॉशरूम्स, सभी जगह पे, और जिससे कि सैनिटाइज हो। और डेली डीप क्लीनिंग होती है रात को, तो रात को हम लोग एक्स्ट्रा स्टाफ हाउसकीपिंग का वहाँ पे रखते हैं, और हम लोग डीप क्लीनिंग करवा रहे हैं, सो दैट यहाँ पे आने वाले कोई भी ग्राहक हो या कोई भी लोग यहाँ पे आते हैं, तो उनको कोई तकलीफ ना हो या उनको हेल्थ रिलेटेड कोई इशू ना हो। बिल्कुल, कोई भी हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू ना हो, इस प्रकार की बातचीत इस समय हमारे साथ में जो व्यवस्थापक बारी है इन्होंने किया। और एक बात तो खास है कि जिलाधिकारी का अब तक इन्हें लेटर नहीं मिला है, जिसके चलते इन्होंने पीवीआर तो जरूर बंद कर दिया राज्य सरकार की जो गाइडलाइन थी, मगर जहाँ इटर्निटी मॉल की जहाँ बात आती है, वो उन्हें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलने से इटर्निटी मॉल शुरू है। ऐसे में भी यहाँ पर जो खरीदी करने के लिए जो बड़े पैमाने पर जो ग्राहक आते हैं, उनके लिए कोरोना वायरस से दूर रखने के लिए काफ़ी प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं और सैनिटाइज किया जा रहा है। यह सबसे बड़ी अच्छी बात आज यहां पे दिखाई दे रही है। इटर्निटी मॉल से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ संजय मीरे, NBC News नागपुर।